देखिए मेरे भाई, मैंने कैशबिन वालों से बात की है तो आज बोलोगे मेरे भाई खुद कंफ्यूज है कि पैसा लोगों से लें कि ना लें, तो वो बता रहे हैं कैश फ्री में आप पैसा डाल दीजिए। तो मैंने उनको बोला कि क्या आपकी गारंटी होगी, तो उन्होंने कहा कि आप पैसा मत डालिए, गारंटी नहीं ले सकता हूँ। आपको अच्छा लगे, आपको कंफर्टेबल लगे तो आप पैसा डालो, अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लगता तो आप पैसा मत डालिए। तो मेरे भाई मैं खुद कंफ्यूज हूँ और आप खुद भी कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको पैसा डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। तो मेरे भाई आप एक बार पहले उनके पास फ़ोन करके बात कर लीजिए, उनकी हाथों हाथ वो रिकॉर्डिंग भी करते रहिए, ताकि कल के दिन अगर आपका पैसा डूब जाता है तो कल के दिन आपको समस्याएं ना हो मेरे भाई। क्योंकि पेटीएम आज के समय में फ्रॉड कर देता है, तो कैश फ्री तो फिर भी हमारे लिए एक नया नाम है। कैश फ्री को कोई व्यक्ति नहीं जानता है, कैश फ्री एक नई ऐप इन लोगों ने उठाई है, जो भी जैसे भी करके उससे पैसा ले रहे हैं। अगर आपका पैसा फंस जाता है, आपका पैसा पेड कर भी देते हैं, तो अगर आपका पैसा वैलिड नहीं होता तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। वो बंदा खुद अपने मुंह से एक्सेप्ट कर रहा है कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप पैसा डालें या ना डालें, आपको अच्छा लगे तो डालो, नहीं अच्छा लगता तो मत डालो। तो मेरे भाई आप एक बार इस रिकॉर्डिंग को भी सुन लीजिए और साथ ही साथ उन लोगों से आप बात भी कर लीजिए कि पैसा उन लोगों को डालना है कि नहीं डालना है। और हाँ यार, उस व्यक्ति ने अपने सीनियर से बात करवाने के लिए मुझसे बोला था, लेकिन उसने अपने सीनियर से बात नहीं करवाई है, तो मैं इसलिए आपको बताना चाहूँगा मेरे भाई इस रिकॉर्डिंग को आप सीरियसली ना लें। बस आप एक बार कंफर्म उनसे कर लें, एक बार आप उनको कस्टमर केयर में कॉल कर लीजिए, अगर वो आपको पक्के प्रूफ के साथ बोलते तो वो रिकॉर्डिंग आप करके तभी उनको पैसा पेड करें, वरना आपका पैसा फंस गया तो कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। क्या कर सकता हूँ? जानकारी चाहिए थी। नमस्कार सर, रजिस्टर नंबर आपका यही से कॉल कर रहे हैं? हाँ, रजिस्टर नंबर यही है। बताइए सर, क्या जानकारी चाहिए? जानकारी ये चाहिए थी भैया कि जो कैशबिन के जो पैसे लेने का जो सिस्टम था पहले, वो तो मतलब अकाउंट में था, अब पेटीएम में आ रहा है। पेटीएम में सर वो कैश फ्री में आ रहा है, क्योंकि वो जो यस बैंक था हमारा वो बंद हो रहा है, तो उसकी वजह से इशू चल रहा है, तो अकाउंट ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे आप। यस बैंक क्यों बंद हो रहा है? वो न्यूज़ में देखिएगा सर, पूरी इन्फॉर्मेशन तो मेरे को भी कंफर्म नहीं है, लेकिन वो बंद हो रहा है, तो इस वजह से अकाउंट पे आप पेमेंट नहीं डाल पा रहे हैं। लेकिन उसमें कैश फ्री के मोड में डेबिट कार्ड या फोन पे आपको गूगल पे दिया। अरे क्या ना, पेटीएम तो सर खुद घोटाला कर लेता है, कभी कभी फ्रॉड कर देता है पेटीएम, पैसा भी कट जाता लेकिन वहाँ पर सो ही नहीं होता। जब भी कैश फ्री का मोड बता रहा हूँ आपको, कैश फ्री में कोई इशू नहीं है, आप वहाँ से कर सकते हैं। ये कैश फ्री क्या है? उधर ही पेटीएम के ऊपर है कैश फ्री का मोड, जैसे आपको रोजर पे शो होता था ना, रोजर पे। अच्छा, उसी की तरह कैश फ्री भी एक मोड है हमारा, उसके अंदर आपको फोन पे, गूगल पे और नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड का ऑप्शन दिएगा, एक तरह का मोड है वहाँ से पेमेंट करने के लिए, वहाँ से भी हो जाता है आपको। तो वो पैसा कहाँ जाएगा, बैंक में जाएगा, कहाँ जाएगा? वो हमारे पास जाएगा, हमारे अकाउंट में। भैया ऐसे कई बार ना, पहले आप लोगों ने पैसा जो लोगों से लिया, ये बोल देते हो कि आपका पैसा हमारे पास आया नहीं, वो बंदा स्क्रीन शॉट भेजता, आपको हर तरीके की जानकारी देता, लेकिन आप घुमा देते हो उसको कि आया ही नहीं, आया ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभी थोड़ा अपडेट होने में समय लगता है। अपडेट एक एक महीने बाद तक वो लोग रोते रहे कि सर हमने मतलब कंप्लेन भी कर दी, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, वो बता के नहीं दे रहे कि मतलब करना क्या है क्या नहीं करना, कि पैसा फिर से जमा करना पड़ेगा, वो लोग यही बोलते हैं। तो तुम मतलब जो बार बार जो इधर उधर की ऐप में पैसा डलवा रहे हो ये, और लोगों के साथ फिर से चीट होगा तो वो कहाँ जाके कंप्लेन करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है सर, इस वजह से पहले तो उनके पास एक ऑप्शन था, कि यस बैंक में पैसा जा रहा है उसके अकाउंट सहित में, तो वो कंप्लेन कर सकते थे। लेकिन जो आप बता रहे हो कैश फ्री जो भी चीज है, ये तो नाम भी नहीं सुना हम लोगों ने आज तक। मेरे को नाम नहीं सुना होगा, लेकिन ये हमारे से लिंकेड होती है, इसमें डायरेक्टली करेंगे तो हमारे पास अपडेट हो जाती है, कोई इशू नहीं। अगर वहाँ से भी कोई इशू आता है, हमने तो आज तक कैश फ्री का नाम नहीं सुना, तो कैसे पैसा पेड कर दे भाई? आप लोगों ने 15-15 दिन की जो टाइमिंग दे रखी है, बताओ 15 दिन में कौन व्यक्ति, एक तो पहली बात तो 15 दिन में व्यक्ति कहाँ से तो लोन चुका देगा, फिर चुका देगा नहीं उल्टी सीधी ऐप में, फिर आप 15 दिन के बाद उसको फिर तांडव करना शुरू कर दोगे, पैसा आया ही नहीं। हमें तो कैश फ्री पे भरोसा नहीं है, ये बताओ। सर आप पेनल्टी लगाओगे? वहाँ से पेमेंट आ रहा है सर, मैंने आपको मोड क्यों बताया, क्योंकि वहाँ से बंद चल रहा है, बैंक का इशू चल रहा है, वहाँ से करेंगे आप नहीं हो पाएगा, लेकिन कैश फ्री से करिए, सब वहीं से कर रहे हैं, वहाँ से कोई इशू नहीं, पेमेंट सबका जा रहा है वहाँ से। नहीं आप ये बताओ, मान लो हम वहाँ से पेमेंट डाल देते हैं, ठीक है, पेमेंट अगर फंस जाए तो आप मतलब उसका जिम्मेदार तो है नहीं, अगर मैं पैसा नहीं डाल रहा तो आप हमारे ऊपर पेनल्टी लगाओगे? तो भाई इस जिस ऐप का हमने नाम सुना ही नहीं है जो आप बता रहे हो कैश फ्री, तो हम इसमें कैसे डाल दें? मैं तो इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, इतनी बड़ी विश्वास वाली कंपनी थी यस बैंक, ठीक है, चेक करेंगे उसमें, चेक करेंगे जब कैश फ्री से पेमेंट करेंगे, उसमें हमारी कंपनी का नाम आएगा, वो हमारे को पेमेंट करता है। तुम्हारा नाम तो यस बैंक में भी आता था, बताओ नहीं आता था? नहीं सहमत हूँ आपकी बात से, फिर मत करिए सर, इस रिगार्डिंग मैं आपकी सहायता नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो कंपनी का प्रोसेस है, अब मैं उसे आपके लिए चेंज तो नहीं कर सकता, वो है तो है, उससे आप करना चाहें तो करिए। अब आप ये बताओ पैसा डालें कि नहीं डालें, विश्वास हो आपको तो आप बताओ कि हम डालें, नहीं विश्वास हो आपको तो मैं ना डालूं। मैं आपको पहले ही मना कर देता कि मत डालिए, मैंने आपको वो मोड इसलिए बताया क्योंकि सब वहीं से कर रहे हैं, उसमें थोड़ा इशू आएगा लेकिन पेमेंट हो रहा है। भैया अगर फंस गया तो जिम्मेदार आप रहोगे या कौन रहेगा, ये बताओ?
उसके लिए पूरी सहायता की जाएगी, पेमेंट नहीं फंसता है सर आज तक। बहुत सारे लोगों के साथ आपने करी कहाँ है, वो लोग बेचारे रो मतलब इधर उधर सर पटक के मतलब परेशान होकर रह जाते हैं वो, आप बोलते कि पैसा आया ही नहीं। मतलब जिन लोगों ने पेटीएम से कर दिया था या इधर उधर जाके साइबर कैफे से वो लोग करवा देते हैं आपको पैसा पेड, तो आप उसकी मतलब इग्नोर ही कर देते हो उसको कि आया ही नहीं बैलेंस। तो अब आप मुझे ये बताओ कि इसमें पैसा डाल दूं आपकी जिम्मेदारी पे? बिल्कुल डाल दीजिए, कोई इशू नहीं है, जब भी इस तरीके से कोई इशू हमारी तरफ से कभी नहीं आता। नहीं, अगर दिक्कत हुई तो आप भरोगे? अगर दिक्कत हुई तो सर मत भरिए, मैं कुछ नहीं भरूंगा, आप रहने दीजिए, आप बात किसी और से कीजिएगा, मैं इसमें सहायता नहीं कर पाऊंगा। तो फिर पेनल्टी तो नहीं लगाओगे अगर नहीं भरते हैं, तो कितने दिन तक मतलब इशू चलेगा आपका बैंक वाला? रहिए, मैं भेज देंगे आपको, सीनियर पे ट्रांसफर कर रहा हूँ, आप उनसे बात करिए। आप ये बताओ बैंक वाला इशू कब तक चलेगा? वो कंफर्म नहीं कब तक चलेगा, अभी 2-3 दिन लग चुके हैं, अभी भी कितना समय लगेगा वो कंफर्म नहीं है। अच्छा, अब आपको कंफर्टेबल लगे आप करिए, नहीं लगता है मत कीजिए। नहीं बस गारंटी आप लो, हम तो जमा कर देंगे, आप खुद अपनी बात पे श्योर नहीं हो रहे कि हाँ पैसा डाल दो कि नहीं डाल दो, आप बोल रहे कि मत करिए। मैंने आपको 100% बताया, वहाँ से सब कस्टमर पेमेंट कर रहे हैं, सबका पेमेंट आ रहा है, किसी का अपडेट होने 5 मिनट लग रहा है, किसी का 10 मिनट, लेकिन पेमेंट सबका आ रहा है। लेकिन वो पैसा मेरे भाई ऐसे तो यस बैंक को पैसा जा रहा था लोगों का, जो कैश फ्री से आप करते हैं ना उसका पूरा अमाउंट हमारे पास होता है, उस पर पेमेंट चेक करते हैं आपका। और लोन दे दोगे तुम फिर तुरंत हैंड टू हैंड? सबको मिल रहा है सर। अच्छा, प्रोसेस होता है, हर बार वेरीफाई होता है, उसके बाद आपको लोन प्रोवाइड होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं कभी यस बैंक तुम्हें पैसा देना बंद कर दिया हो तो तुमने पैसा देना बंद कर दिया हम लोगों को फिर से? ऐसा कुछ नहीं है सर, वेरीफाई होता है, उसके बाद आपको लोन प्रोवाइड होता है। यस बैंक दे रही है पैसा आपको वापस? यस बैंक का पैसा दे रही है नहीं दे रही, लेकिन कंपनी सबको पैसा दे रही है अभी। कंपनी का क्या, घर में रखा है पैसा? जब यस बैंक से निकलेगा नहीं तो आप कहाँ से दोगे? यस बैंक में जमा होता है सर, कहाँ से अभी बड़ी अप करता है, मैं पूरा डाटा लेके थोड़ी बैठा हूँ इनका सर, मैं इसलिए कह रहा हूँ आप लाइन पर ही, मैं आपकी सीनियर से बात करूँगा, आपको बहुत सारी जानकारी है, उनसे पूछिएगा, आपको पूरी सहायता दे पाएंगे वो। अच्छा अच्छा अच्छा, पूरी कंपनी की आपको डिटेल दे देंगे, आप बात करिएगा, मैं इसमें सहायता नहीं कर पाऊंगा, लाइन पर रहिएगा, बात कराओ पैसा जानकारी सीनियर पे ट्रांसफर करो। आयकर विभाग या भारतीय रिजर्व बैंक